अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी इसको हम शो करते हैं कैपिटल ई स्मॉल ए के साथ। एक्टिवेशन एनर्जी ये कौन सी एनर्जी होती है? ये वो ज़रूरी एनर्जी होती है जिसके बगैर रिएक्टेंट का बाप बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। यूँ समझिए कि ये एक मुज़हमत हुआ करती है, एक बाड़ हुआ करता है, एक बैरियर हुआ करता है। रिएक्टेंट को इस बैरियर पे क्रॉस करवाना होगा। अगर वो बैरियर क्रॉस होगा तो प्रोडक्ट बनेगा, वो बैरियर क्रॉस नहीं होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो वो बैरियर कैसे क्रॉस होता है? उस बैरियर के लिए एनर्जी चाहिए होती है। या फिर मोटी मोटी बात कह दी जाए, रिएक्टेंट के पुराने बांड तोड़ने का बंदोबस्त करना होता है। जब तक इतनी एनर्जी अवेलेबल ना हो कि उसके पुराने बांड टूट सकें, तो वो नए बांड कैसे बनाएगा? मैंने पुराने ताल्लुकात टूटे नहीं हैं, नए ताल्लुकात मैं कैसे बनाऊंगा? तो रिएक्शन जब भी वाकया होता है, कई किस्म के रिएक्शंस हैं। बाज हैं जो डार्क रूम में करवाते हैं, आप जानते हैं फ्लोरिंग के अक्सर रिएक्शन डार्क रूम में होते हैं। बाज रूम टेम्परेचर पे होते हैं, बाज हाई टेम्परेचर पे होते हैं। आप एलिमिनेशन रिएक्शन को जानते हैं, 150 से प्लस टेम्परेचर रखना पड़ता है। क्यों? हर रिएक्शन की अपनी अपनी एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो याद रखें कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं, जो रिएक्टेंट्स होते हैं विदाउट एक्टिवेशन ये लोग प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। पहले आपके रिएक्टेंट को एक्साइट करवाना होगा, उनको पहले एक्टिवेट करवाना होगा, तब जाके फिर क्या बनेगा, तब जाके फिर प्रोडक्ट बनेगा आपके पास। तो प्लीज याद रखें, पहला पॉइंट तो ये है कि एक्टिवेशन एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन का आपस में इनवर्स ताल्लुक होता है। एक पॉइंट, ओके। अब एक्टिवेशन एनर्जी को ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी ने बड़ा सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, ओके। तो हम इसको लेके स्टार्ट करते हैं। तो याद रखें, अगला पॉइंट हमारे पास ये है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आमतौर पर क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं। उनको रूम टेम्परेचर पे एक्टिवेशन एनर्जी आमतौर पर मिल जाया करती है, जबकि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, खाना पकाना खुद ब खुद तो नहीं होगा, एनर्जी सप्लाई करनी होगी, तो इनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। किसकी? एंडोथर्मिक रिएक्शन की। ये दो पॉइंट्स प्लीज ना भूलें। अब अगले पॉइंट से बात करते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप रिएक्शंस को देखते हैं, रिएक्शंस, तो हम जानते हैं कि हमारे पास रिएक्शन दो किस्म के होते हैं। एक हमारे पास है एंडो रिएक्शन, एक हमारे पास है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आइए इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं। ये देखिए, इस जानेब मेरे पास क्या है, ये एनर्जी है। इस जानेब हम लिखते हैं कि रिएक्शन के कोऑर्डिनेट्स हैं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स एनर्जी, और इस जानेब मेरे पास रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हैं, ओके।
अब मैं क्या एज्यूम करता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास रिएक्टेंट्स की एनर्जी है। किसकी एनर्जी है? रिएक्टेंट्स की एनर्जी, ये वाली है। इसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। सप्लाई करने के बाद ये देखें आपके पास क्या हो गया है, आपके पास प्रोडक्ट बन चुका है। तो आपने क्या देखा कि रिएक्टेंट्स को आपने कितनी एनर्जी दी है, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, इसको बोलते हैं ओके इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्टेट, बोलते हैं इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्टेट, इसको हम बाज़ औक़ात ट्रांजिशन स्टेट भी कहा करते हैं। इसको हम एक्टिवेटेड स्टेट या ट्रांजिशन स्टेट भी कहा करते हैं। उसके बाद रिएक्टेंट को पहले पहाड़ी तक चढ़ाया, एनर्जी खूब एब्जॉर्ब की, उसके बाद क्या किया, उसने थोड़ी सी एनर्जी रिलीज की है और क्या बना दिया है, उसने उसने आपके पास प्रोडक्ट बना दिया है। अब मुझे ज़रा सुनिए प्लीज, बी वेरी केयरफुल। तो आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट्स उसने कितने एनर्जी का फर्क हुआ है। प्लीज, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स का जो एनर्जी का डिफरेंस है, जो एनर्जी का डिफरेंस है, इसको हम कहते हैं डेल एच, हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन। तो जब आपसे हम डेल एच पूछेंगे तो आपको प्रोडक्ट की वैल्यू और रिएक्टेंट की वैल्यू को कंपेयर करना होंगे, माइनस करना होंगे। तो प्लीज याद रखें डेल एच इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। किसके लिए? ये मेरे पास केस हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, क्योंकि यहां पर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है। ओके फिर प्लीज अगला पॉइंट कौन सा हुआ कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट होता है, ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है, ये एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट की एनर्जी में कितना डिफरेंस मौजूद है, जो एनर्जी का डिफरेंस यहां मौजूद होगा, इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ईटा में दो क्वेश्चन पूछते रहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बताएं, हीट ऑफ द रिएक्शन बताएं। तो प्लीज आपने डरना नहीं है, जब ग्राफ की समझ आपको आएगी आप मार नहीं खाने वाले। अब क्या होगा, अब देखें प्लीज, ये देखें, अब ये आपके पास प्रोडक्ट है ओके। ये आपके पास कौन था? ये आपके पास रिएक्टेंट था। ये कौन है? ये आपके पास ट्रांजिशन स्टेट है ओके, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। अब फिर पहले वाली बात, इन दोनों में एनर्जी का कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, इस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ओके। ये किसकी एनर्जी थी? रिएक्टेंट की एनर्जी थी, रिएक्टेंट की। और ये किसकी है? ये आपके पास प्रोडक्ट की एनर्जी है। तो इन दोनों में कितना डिफरेंस हुआ, इसको हम डेल एच बोलते हैं ओके। तो इसको हम बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बोलते हैं। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम एंडो का अलग होता है और एक्सो का अलग होता है। प्लीज याद रखें एक्टिवेशन एनर्जी का जो लास्ट हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है, हम आर्हीनियस इक्वेशन से मालूम किया करते हैं ओके, स्लोप से मालूम करते हैं। आर्हीनियस इक्वेशन में जो हम डायग्राम ड्रा करते हैं, हम जो ग्राफ ड्रा करेंगे किसके बीच में, लॉग ऑफ के और लॉग ऑफ वन बाई टी के दरमियान जो ग्राफ ड्रा करेंगे, इस ग्राफ का क्या देखेंगे, इस ग्राफ का हम ये स्लोप देखते हैं। ये स्लोप जो होता है ये टेंजेंट थीटा के बराबर आता रहता है।
ठीक है। और यहां से हम क्या निकालते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट किया करते हैं। ओके,